बिहार में आए दिन अपराध की ग्राफ बढ़ती जा रही है, तो वहीं एक सनसनी खबर मधेपुरा से निकलकर आई है, जहां जदयू नेता की हत्या दिन दहाड़े गोली मारकर की जाती है। उनकी हत्या मोटरसाइकिल सवार तीन अपराधियों ने मिलकर दिन दहाड़े उनके घर के सामने ही ताबड़तोड़ गोली बरसाकर किए हैं, और इस घटना को लेकर मधेपुरा में काफी आक्रोश फैल गया है। जानकारी के अनुसार घटना मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के हाथी औंधा की है। बताया जा रहा है कि जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ रह चुके प्रदीप कुमार शाह, जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, आज शुक्रवार सुबह अपने घर के बाहर खड़े थे कि उसी दरमियान बाइक सवार तीन अपराधी वहां पहुंचे और उनके सिर में ताबड़तोड़ गोली मार दिए। वहीं अस्पताल ले जाने के क्रम में जदयू नेता की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं फिलहाल घटना के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश बढ़ गया है, जिसके कारण आक्रोशित लोग सड़क पर आ गए हैं। मधेपुरा की तमाम व्यवसायिक संगठन इस घटना से आक्रोशित हैं, साथ में चारों तरफ अफरा तफरी की माहौल भी बन गई है और इस घटना को लेकर बाजार बंद कर दी गई है। आप लोग इस घटना के संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।